नमस्ते एंड वेलकम टू संडे विद सूरज सर। पहले तो सारे बच्चों को अपनी बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के लिए खूब खूब बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर कंप्लीटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स सक्सेसफुली। अब जिन बच्चों ने सक्सेसफुली बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट कर ली है उनको तो मैंने बधाई दे दी, लेकिन जो बच्चे ये बोर्ड एग्जाम्स में कहीं पर पीछे रह गए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं बस यही चीज़ बताऊंगा कि मेहनत करते रहो, हताश नहीं होना है। कंपटीशन है, कभी हार कभी जीत लगी रहती है। आप पूरी मेहनत करोगे, पूरा ध्यान दोगे तो जो थोड़ा सा कमी रह गया था उसको आप अच्छी तरीके से निभा पाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों को भी जो कि मेहनत करके अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, डोंट गेट डिप्रेस्ड, इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन लाइक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हार जीत जैसे होती है, दो दिन आपको खराब लगता है, फिर मेहनत शुरू करो और उसको जीत में तब्दील करो। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड इट विद नाइस मार्क्स विद एक्सपेक्टेड मार्क्स, अब आप क्या करना चाहते हो? सो आपके पास बहुत सारी ड्रीम्स होगी, आपके पास बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस होंगे, राइट? जो ज्यादा पैसे देते हैं सबको उसमें मजा आता है, लेकिन प्लीज याद रखिए आपको 10 साल के बाद का सोचना है। यस, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपने अपना ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स और आपका एक्सपीरियंस, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस खत्म कर लिया होगा। ये सब करने के बाद कौन सी पोजीशन पे आप बैठना चाहते हो, उस चीज को आज आपको सिलेक्ट करना है और उसकी पढ़ाई करनी है। किसी को कम मार्क्स, किसी को ज्यादा मार्क्स, मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इंस्टेंट मेमोरी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करते नहीं है। सो मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप इच्छते हो, अगर आप सोचते हो, अगर आपका मन है, आपका दृढ़ निश्चय है तो आप कर पाओगे। जस्ट गो फॉर इट। 10th में कम मार्क्स, 12th में कम मार्क्स, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी फाइन। इंस्टेंट मेमोरी को देखा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, 3 घंटे की टेस्ट और उसमें कितना याद आता है पूरे साल का, बस ये होती है बोर्ड एग्जाम। जिनको अच्छा आ गया उनकी मेमोरी अच्छी है, जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आए उनकी मेमोरी, इंस्टेंट मेमोरी अच्छी नहीं है। ये कभी भी नहीं कहा जाता है कि उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है। सो डोंट लुक एट द मार्क्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आप जो सोचा है आपके कैरियर के बारे में उसी को फॉलो करो। बाजू वाले कॉलेज में शायद एडमिशन नहीं है, कम मार्क्स है, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, पूछ लीजिए अपने पेरेंट्स को, घर के बाजू में चीज सस्ती नहीं मिलती है तो थोड़ी सी सस्ती चीज लेने के लिए दूर जाते हैं स्कूटर कार लेके, राइट? इसी तरीके से आपको भी अगर कम मार्क्स आए हैं तो घर से थोड़ा सा दूर निकलना होगा और थोड़ा सा दूर जाने के बाद आप अपनी इच्छा की डिग्री, प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिया इज अ बिग कंट्री विथ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन मैंने जो पहले भी बोला था, ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से पहले सोचना। ल्यूक्रेटिव माने जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है, राइट? मासी और मौसी की बेटी या अंकल का बेटा, या आपके बड़े भाई बहन, आपके मम्मी पापा, ये जो भी काम कर रहे हैं वो अपने टाइम में कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई पहले कर ली है, आपको 10 साल के बाद
अपॉर्चुनिटी को देखना है, कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए और अच्छे से सिलेक्ट कीजिए अपने लाइफ को। 10th और 12th के बाद आपके लाइफ गोल्स के लिए पढ़ाई करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पढ़ाई करो। कोई भी सजेशंस चाहिए आपको, कोई भी हेल्प चाहिए आपको बच्चा, प्लीज कमेंट मी, आई बी देयर टू हेल्प यू, आई बी देयर टू गाइड यू। दिस इज सूरज, नमस्ते।